तो नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। 9 अगस्त 2024 को हिंदुस्तान में एक ऐसी वारदात ने अंजाम लिया जिसने न केवल हिंदुस्तान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश में हुई बर्बरता को सभी के सामने उसका पर्दाफाश किया है। दिसंबर 2012 में ऐसी एक वारदात ने भारत की राजधानी दिल्ली में अंजाम लिया था। निर्भया रेप केस से हम सभी भली भांति परिचित हैं। निर्भया वो लड़की, एक मेडिकल स्टूडेंट जिसके साथ ऐसी बर्बरता हुई, जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर एक एक्सटर्नल एलिमेंट को घुसा दिया गया। ऐसी बर्बरता हिंदुस्तान में कई बार सुनने को मिल जाती है। पाकिस्तान में भी एक दफ़ा ऐसा ही एक केस हुआ था। कश्मीर की आसिफा, दिल्ली की निर्भया को हम कैसे भूल सकते हैं। वैसे ही अब RG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता के इस कॉलेज का ऐसी एक घिनौनी वारदात में नाम पिछले तकरीबन 20 से 25 दिनों से आ रहा है। 9 अगस्त 2024 को कलकत्ता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक ऐसी ही बर्बरता ने अंजाम लिया था जहां एक ट्रेनी डॉक्टर, एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया। हिंदुस्तान में लोगों के अंदर ऐसे एक रोष पनप रहा है जहां मुसलसल लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि सरकार और प्रशासन इस केस में उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, इस केस के इन्वेस्टिगेशन को दिशा भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, कई किस्म के अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। इसमें TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस का भी नाम आ रहा है जो इस समय वेस्ट बंगाल के अंदर चीफ मिनिस्टर है, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी इसमें मुसलसल नाम निकल कर आ रहा है। ममता बनर्जी पर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी इस केस को सरकार द्वारा, इस केस को पुलिस द्वारा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। कुछ दिनों पहले निर्भया की माता जी कलकत्ता पहुंची। उन्होंने कलकत्ता प्रोटेस्ट में, पूरे देश में हो रहे प्रोटेस्ट के अंदर तमाम प्रदर्शनकारियों को ये कहा कि ममता बनर्जी तुरंत इस्तीफा दे, लेकिन ना अभी तक ममता बनर्जी का इस्तीफा लोगों के हाथ में है और ना अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया है कि जो लोग इस बर्बरता में, इस बलात्कार में एक्यूज्ड हैं, इस बलात्कार में जिनके नाम है उन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाए। इसके साथ ही एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दी जाए जो पूरे देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए एक मिसाल साबित हो। इस समय एक नाम निकल कर आ रहा है डॉक्टर संजय रॉय, जिसको पीड़ित महिला, पीड़ित डॉक्टर के ऊपर हुए इस बर्बरता का एक आरोपी माना जा रहा है। लेकिन वास्तव में सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में संजय रॉय एक्यूज्ड है, संजय रॉय एक्यूज्ड है या नहीं, इसका पता तो बहुत दिन पहले ही लग चुका है जब संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल किया पुलिस के सामने। CBI के हाथों में इस समय ये केस है, बंगाल पुलिस से निकल करके अब ये केस CBI के हाथों में है और CBI लगातार इस बात का दावा कर रही है कि संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल किया है। ये साजिश क्या थी, इस साजिश में कौन कौन इन्वॉल्व था, इस साजिश को किस तरीके से अंजाम दिया गया, अब इस साजिश, इस केस का क्या अपडेट है, वो तफ्तीश से जानेंगे हम आज कथा पर। RG कार मेडिकल कॉलेज का सेमिनार हॉल 9 अगस्त 2024 को इसमें बर्बरता हुई। पॉलीग्राफ टेस्ट इस समय संजय रॉय का शुरू होने वाला है। आज ही संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और इसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई ये अब देखना होगा। CID या क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जैसे अगर हमने शोज देखे हो तो हमें पता लगेगा कि कई बार ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं कि इस मशीन से सच और झूठ का पता लगता है। तो सच और झूठ ये होता है कि शुरुआत में जो क्वेश्चनेयर होता है, जो हमारा इंटरव्यूअर होता है, बड़े आसान किस्म के सवाल पूछता है जो उस एक्यूज्ड या फिर उस कल्प्रिट से पूछे जाते हैं। आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपने कल सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, आज सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया, आसान से सवाल पूछे जाते हैं। ये सिलसिला आसान सवालों से शुरू होता है और धीरे धीरे मुद्दे के सवाल पूछे जाते हैं कि आपने इस बर्बरता को अंजाम दिया है, आपके साथ और कौन कौन था। पूरे देश में सवाल ये उठ रहा है इस समय हर जगह से, कई मीडिया के लोग और कई बंगाल गवर्नमेंट के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस देश के अंदर इतना प्रोटेस्ट, इतना प्रदर्शन किस वजह से हो रहा है। इसका कारण साफ सीधा यह है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, बंगाल पुलिस के मुताबिक, ये संजय रॉय एक मानसिक, कहीं ना कहीं एक मानसिक पीड़ित व्यक्ति था, एक रोगी था जिसने इस बर्बरता को अंजाम दिया गया है। लेकिन देश में तमाम डॉक्टर्स, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस से बड़े बड़े MDs, MBBS और बहुत सीनियर डॉक्टर्स, सर्जन्स इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। देश के कोने कोने में प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है और आज से नहीं, पिछले 20-25 दिनों से। इस प्रोटेस्ट को निकालने का कारण यह है कि जो बड़े इंटेलेक्चुअल तबका जो है हिंदुस्तान का, वो इस रेप को, उस जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेप को, मैं रेप नहीं गैंग रेप बता रहा है,
लेकिन ऐसे कौन से साक्ष्य हैं जो इस रेप को गैंगरेप बता रहे हैं? हाल ही में मेरी एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट से मेरी बात हुई, वो फार्मासिस्ट हैं और एक अच्छी कंपनी में बहुत सीनियर पोजिशन में है, उनसे मेरी बात हुई इस केस को लेकर। तो उन्होंने मुझे बताया कि उस पीड़ित महिला यानी कि उस जूनियर डॉक्टर को उसका पेल्विस बोन इस रेप के दौरान तोड़ दिया गया। पेल्विस बोन अगर हम आपको बताएं तो वो हिप बोन के, हिप बोन या ये जो बोन जो हमारे पैरों को और हमारा जो धड़ का हिस्सा होता है उसको जो अटैच करती है उसे पेल्विस बोन कहते हैं। इस पेल्विस बोन को इस रेप के अंदर तोड़ दिया गया। उस फार्मासिस्ट से जब मेरी, उन फार्मासिस्ट से मेरी बहुत देर इस केस को लेकर बात हुई, तो उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट में, दिल्ली के अंदर इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, कई इंटरव्यूज दिए मीडिया को, बड़े बड़े चैनल्स को, छोटे छोटे चैनल्स को, उन्होंने कई किस्म की उनसे वार्तालाप करी, महत्वपूर्ण चर्चाएं करी। इस रेप के दौरान उस जूनियर डॉक्टर का पेल्विस बोन तोड़ा गया। उन्होंने मुझे एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें दो तस्वीरें थी। पहली तस्वीर सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर की डेड बॉडी की थी और दूसरी तस्वीर जिस पोजीशन में वो डेड बॉडी मिली, यानी कि अगर ये उस पीड़िता का शरीर है तो उसका पेल्विस तो बोन तोड़ने के बाद जो एक पैरों का जो एक एंगल होता है अराउंड 60 डिग्रीज का ही जो एंगल होता है वो तकरीबन 160 डिग्री का एंगल जूनियर डॉक्टर के पैरों का था। 160 डिग्री जो शख्स जिमनास्टिक नहीं जानता, 160 डिग्री वो भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, 160 डिग्री कोई अपने किसी डेड बॉडी के शरीर का पैर हो ही नहीं सकता। यानी कि जो एक लेग, एक नॉर्मल इंसान का पैर जो ज़्यादा से ज़्यादा 70 डिग्रीज तक खुल सकता है, वो पैर तकरीबन 160 डिग्री तक खुले हुए थे। पेल्विस बोन एक मजबूत बोन होती है हमारे शरीर की, एक मजबूत हड्डी होती है जो एक शख्स, संजय रॉय जैसा दुबला पतला शख्स जो नशा भी किया करता था, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे, एक नशे वाला शख्स जिसकी आधी उम्र नशा करते हुए निकल गई, संजय रॉय, उसके कदकाठी, उसकी फिजिक अगर हमने देखी तो पता लगे बड़ा कमजोर सा पता लगता है, शक्ल देख के, चेहरा देखते ही पता लगता है कि संजय रॉय कितने किस्म के नशे करता होगा। ऐसा शख्स एक जूनियर डॉक्टर के पेल्विस बोन तोड़ने के लायक ही नहीं है, और एक शख्स पेल्विस बोन तोड़ ही नहीं सकता किसी महिला की। पेल्विस बोन जो कमर को हमारे पैरों से जोड़ती है, वो हिप बोन का नज़दीक का जो पार्ट उसे हम पेल्विस बोन कह सकते हैं। पेल्विस बोन जूनियर डॉक्टर की तोड़ी गई। इसके अलावा एक उन्हीं फार्मासिस्ट से जब मैंने बात करी, ये बड़े इंटेलेक्चुअल फार्मासिस्ट को भी पूरा एक, वो एक डॉक्टरी मेडिकल साइंस का उन्हें पूरा इल्म होता है, पूरी नॉलेज होती है, उन्हीं से मेरी बात हुई तो उन्हीं से मुझे ये बात पता लगी कि एक हेल्दी ह्यूमन, एक हेल्दी मेल के, अगर हम सिमिन की बात करें, एक हेल्दी मेल का सिमिन ज़्यादा से ज़्यादा 6 ml तक हो सकता है और मिनिमम 1.5 ml, 1.5 ml टू 6 ml एक मेल के बॉडी से सिमिन सिक्रीट होता है। रेप के दौरान इस 6 को हम 10 ml तक भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर के शरीर से, जूनियर डॉक्टर की वजाइना से, उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट से, उनके सेक्सुअल पार्ट से, असॉल्टेड पार्ट से तकरीबन 151 mg का सिमिन बरामद किया गया था। 151 mg, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है। आजकल मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी ऐसी वारदातें हैं जिनके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। संजय रॉय 9 अगस्त का केस कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में अगर हम शुरुआत से इस केस को जानें, तो आजकल मेडिकल कॉलेज में संजय रॉय 9 अगस्त की देर रात संजय रॉय शराब पीकर अपने आजीकर मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। शराब पीने की पुष्टि खुद संजय रॉय ने करी। तफ्तीश जब सीबीआई ने करी तो बंगाल कोलकाता में स्थित आजीकर मेडिकल कॉलेज में बहुत से ऐसे डिटेक्शंस किए गए, बहुत से इंटरोगेशंस किए गए, कई सवाल जवाब से ही बात मालूम पड़ी। उल्टा संजय रॉय ने भी इस बात को कन्फेस किया कि 9 अगस्त को वो काफ़ी डाउन था, बहुत उसने शराब पी रखी थी। लेकिन मज़े की बात है कि संजय रॉय के पैर नहीं लड़खड़ा रहे थे, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उस समय उसने शराब का मदिरा पान किया हुआ है, शराब का सेवन किया हुआ है। कारण यह था कि संजय रॉय मुसलसल शराब पीता था, एक शराबी था, और एक ये एक रूल कह लीजिए, एक बॉडी फंक्शनिंग होती है कि अगर हम डेली शराब का सेवन करें, डेली नशा करें,
तो कहीं ना कहीं हमारे चेहरे से वो चीज़ें हटनी शुरू हो जाती है, हमारी चाल ढाल में एक परमानेंट, एक हमारा एक कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल बन जाता है, तो पता नहीं लग सकता कि हमने शराब पी है या नहीं पी है। यही चीज़ संजय रॉय के साथ, संजय रॉय बहुत उस समय शराब में धुत था और इसी नशे में धुत रहते हुए उसने ऑपरेशन थिएटर, अपने आजकल मेडिकल हॉस्पिटल में वो एक ओटी में दाखिल हो गया, ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो गया। सीबीआई का कहना है कि संजय रॉय उस दिन इरादा बनाकर आया था कि उसे किसी औरत की, किसी लड़की की आबरू लूटनी है और वो बस अपने शिकार, एक भेड़िए की तरह, एक शिकारी का नज़रिया रखते हुए वो अपनी हवस की आग बुझाना चाहता था किसी भी एक महिला के साथ। इसी तलाश में वो ओटी में घुसा, ऑपरेशन थिएटर में घुसा, लेकिन ऑपरेशन थिएटर उस समय खाली था। ऑपरेशन थिएटर्स में वो घुसा, कई वार्ड्स में वो दाखिल हुआ, लेकिन उसे कहीं भी कोई लड़की नहीं मिली जिसे वो अपनी हवस की आग में झोंक सके। उस समय सीबीआई ने इस बात की पुष्टि करी कि जूनियर डॉक्टर आजिकार मेडिकल हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में थी और उस समय वो सेमिनार हॉल में सो रही थी, रेस्ट कर रही थी, विश्राम के समय सेमिनार हॉल के अंदर ही संजय रॉय दाखिल हुआ। अच्छा, एक सवाल कई कमेंट्स में भी लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स में मैंने देखा, हम लोगों ने देखा, तो पूछा ये जा रहा है कि जब सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया तो उनकी चीखें किसी ने नहीं सुनी, तो हम आपको बता दें कि वो सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ सेमिनार हॉल था। उस हॉल में हो रही कोई भी वारदात, उस हॉल में हो रही कोई भी हरकत की आवाज़ बाहर जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक साउंड प्रूफ हॉल था। सेमिनार हॉल में संजय रॉय 9 अगस्त 2024 की रात, देर रात, रात तकरीबन 4:03 पे, आधी रात से भी ज़्यादा, तकरीबन हम इसे आधी रात और सुबह के बीच का वक्त मान सकते हैं, 4:03 के बाद संजय रॉय सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ और उस जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस समय संजय रॉय अकेला था या बहुत से लोग उसके साथ थे। जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर का रेप किया गया वो एक शख्स का काम दूर दूर तक है ही नहीं, ये लोगों का कहना है। इसी वजह से देश में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं कि ममता सरकार और सीबीआई तफ्तीश करे कि इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व था। बहरहाल, जूनियर डॉक्टर उस समय इस साउंड प्रूफ हॉल के अंदर सो रही थी और इस समय संजय रॉय के साथ साथ इंटरोगेशन संदीप घोष, जो कि आजकल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनसे भी जारी है। तो रेप वर्सेस गैंग रेप का ये टैग इस समय पूरे अपने चरम सीमा पर है। कलकत्ता केस के अंदर बड़े बड़े चैनल्स इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। और अब मजे की बात यह है कि जब जूनियर मेडिकल कॉलेज की महिला के साथ, जूनियर मेडिकल डॉक्टर के साथ इस बर्बरता के बाद कुछ जर्नलिस्ट ने सवाल किए उस जूनियर डॉक्टर के पेरेंट्स से। जी हाँ, अभी तक ये खबर ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स ने कवर नहीं करी, बिल्कुल ताज़ा खबर, बिल्कुल ताज़ा अपडेट कि उस आजकल मेडिकल कॉलेज के अंदर जूनियर डॉक्टर के साथ जो बर्बरता हुई, इसके बाद उनके पेरेंट्स से कई जर्नलिस्ट ने, बहुत से पत्रकारों ने, सहाफ़ियों ने बात करी। तो पेरेंट्स से जब बात करी तो चौंका देने वाला खुलासा ये हुआ कि उन पेरेंट्स ने, जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि ये रेप या गैंग रेप, आप इसे क्या कहेंगे, तो उन पेरेंट्स ने बड़े औचक्के अंदाज में, बहुत चक्के होते हुए, एक झेपते हुए इसका जवाब दिया कि ये रेप नहीं, गैंग रेप है। इसकी दो वजह, जैसा पहले मैंने आपको बताया, उनका पेल्विस बोन तोड़ दिया गया, जो बर्बरता जूनियर डॉक्टर के साथ की गई वो एक शख्स कर ही नहीं सकता, क्योंकि बलात्कार के बहुत से केस हमने देखे हैं, लेकिन ऐसे केस, निर्भया जैसे केस, असीफा जैसे केस बहुत कम ही हिंदुस्तान के इतिहास में देखने को मिलते हैं। पेरेंट्स ने इस बात को माना कि ये महज रेप नहीं बल्कि एक गैंग रेप है। जर्नलिस्ट ने जब इस बात के लिए क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप गैंग रेप किस बेस पर बता रहे हैं कि ये गैंग रेप है। अच्छा, इसके अलग जूनियर डॉक्टर के जो पेरेंट्स से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने आजकल मेडिकल हॉस्पिटल के ऊपर भी बहुत से लालचन लगाए। लालचन क्या थे, जर्नलिस्ट ने जब इनका क्रॉस क्वेश्चन किया तो लालचनों के बारे में मालूम ये पड़ा कि उन पेरेंट्स ने बताया कि जूनियर डॉक्टर जब भी अपने घर जाती थी, अपने फैमिली वालों से मिलती थी, तो अपने परिवार को हॉस्पिटल के बारे में, कॉलेज के बारे में बहुत से नेगेटिव बातें बताया करती है। अभी अमूमन जब भी हम ग्रेजुएशन में होते हैं, मास्टर्स में होते हैं, तो कई बार हम अपने कॉलेजेस की, अपने यूनिवर्सिटीज़ की बुराइयां अपने पेरेंट्स से कर देते होंगे, लेकिन बुराइयां करने में और कोसने में फ़र्क होता है। पेरेंट्स ने, जूनियर डॉक्टर के पेरेंट्स ने इस बात को कहा कि इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सी नेगेटिव बातें वो डॉक्टर पीड़ित महिला अपने पेरेंट्स से किया करती थी, पीड़ित लड़की किया करती थी। और डॉक्टर संजय रॉय का ये केस जो है इस समय सीबीआई के अंडर तो है,
लेकिन पूरे देश को आज, पूरे देश की इस समय आवाज यही है कि इस जूनियर डॉक्टर के साथ साथ इस पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को, इस पूरे हिंदुस्तान की मानवता को इंसाफ कब मिलेगा। इसमें एक सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि इस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर एक कटाक्ष यह हुआ कि आजकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपना त्याग पत्र कुछ दिनों पहले ही इस कॉलेज से दिया था और इसके बाद इन्हें दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। तृणमूल कांग्रेस ने इसमें संदीप घोष की वकालत करी और समय डॉक्टर संदीप घोष का डॉक्टर संदीप घोष के घर की तलाशी भी ली गई है आज और सर्च वारंट्स चल रहे हैं। इसके अलग जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने भी बहुत सी तफ्तीशें करी, उनसे भी कई किस्म की तफ्तीशें की जा रही हैं। बहरहाल संदीप रॉय का केस लेने के लिए हर वकील ने कलकत्ता के अंदर मना किया था, कोई भी वकील संदीप रॉय का केस लेने को तैयार ही नहीं था। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह हुई कि जिस एडवोकेट ने, जिस वकील ने डॉक्टर संदीप रॉय का केस लिया, केस अपने हाथों में लिया, वो एक महिला है जिनका नाम है कविता सरकार। एडवोकेट कविता सरकार ने डॉक्टर संदीप रॉय का केस अपने हाथ में लिया। अच्छा, इस पर भी कई सवाल ये किए जा रहे हैं कि ये महिला गद्दार है, ये महिला एंटी विमेन है, कहीं से कहीं तक भी ये महिलाओं के संरक्षण की बात नहीं करी, महिलाओं के प्रोटेक्शन की बात नहीं करी, कैसी महिला है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि कविता सरकार कोई मेडिकल, कोई प्राइवेट एडवोकेट नहीं बल्कि एक सरकारी वकील है जिनको कोर्ट ने खुद ही हायर किया है डॉक्टर संदीप रॉय की वकालत के लिए, क्योंकि डॉक्टर संदीप रॉय की वकालत के लिए कोई भी वकील उनका केस लेने को तैयार नहीं था। तो इसलिए न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने संदीप रॉय का ये केस एडवोकेट कविता सरकार के हाथों में दिया जो कि एक सरकारी वकील है। तो ये लालचन लगाना कविता सरकार पर सरासर गलत है, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी कर रही है। और आश्वासन ये है कि संजय रॉय ने भले ही अपना गुनाह कबूल कर लिया हो, लेकिन कविता सरकार भी इस केस को पूरी संजीदगी से ले रही है, अपने काम को पूरी संजीदगी से इस समय वो ले रही है, ये पूरा रिपोर्ट सामने आ रही है। अच्छा, इसी के अलग एक चीज ये है कि अभी तक जो इंटरोगेशन संदीप घोष से हुआ है, जो कि आजकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, 100 घंटों से भी ज्यादा का उनका इंटरोगेशन अभी तक सीबीआई के सामने रहा है, जिसमें कई किस्म के खुलासे तो हुए हैं आजकर मेडिकल कॉलेज को लेकर, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि डॉक्टर संदीप घोष इस केस में इन्वॉल्व थे या नहीं, उन्हें सस्पेंड करना चाहिए या नहीं। संजय रॉय से जब तफ्तीश उनकी की गई, उनका फोन चेक किया गया और उनके उनसे जब इंटरोगेशन किया गया, तो एक बात यह मालूम पड़ी कि संजय रॉय का यह पहला ऐसा केस नहीं था जिन्होंने ऐसी बर्बरता किसी महिला के साथ दिखाई हो। हालांकि रेप केस ये पहला था जो संजय रॉय ने अंजाम दिया कलकत्ता के अंदर, लेकिन इससे पहले भी कई महिलाओं ने उन पर उत्पीड़न का, छेड़खानी का, बदतमीजियों का, गाली गलौज का आरोप लगाया है। संजय रॉय के यदि हम उनकी आइडियोलॉजी की बात करें, उनकी उनके डिज़ायर्स को अगर हम आपके सामने पेश करें, तो पोर्नोग्राफी देखने के, पॉर्न वीडियोस देखने का संजय रॉय इसे शौकीन तो नहीं कहेंगे लेकिन एडिक्ट था, पोर्नोग्राफी का एडिक्ट था। उसके फ़ोन को जब सीबीआई ने, और इसके अलग जब साइबर सेल ने जब उसके फ़ोन को सही से खंगाला, तफ्तीश करी, तो मालूम पड़ा कि वो पोर्नोग्राफी देखने का बहुत शौक था। दिन में कई घंटों तक वो पॉर्न्स देखता था। लेकिन पॉर्न वीडियोज़ देखना, इस वीडियो में हम पॉर्न वीडियोज़ का नाम इसलिए उजागर कर रहे हैं क्योंकि देश में, भारत में पॉर्न वीडियोज़ देखना गुनाह नहीं है, लेकिन वाइल्ड पॉर्न देखना, नेगेटिव डार्क पॉर्न देखना, डार्क वेब पर पॉर्न्स देखना, या एक फोर्सफुल अगर हम पॉर्नोग्राफी की बात करें, तो संजय रॉय के डिज़ायर्स उस लेवल तक थे। संजय रॉय के डिज़ायर्स पोर्नोग्राफी में भी उस लेवल के थे जो डार्क वेब इंडिया में बैन है। तो संजय रॉय का ये पोर्नोग्राफी का बहुत शौक था। और इसी के अलग संजय रॉय पर कई किस्म के, जैसे हमने बताया कि उत्पीड़न के, छेड़खानी के आरोप लगते आए हैं। 8 से 9 अगस्त के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए जिसमें संजय रॉय का एक जो सबसे बड़ा जो एक्यूज संजय रॉय जिस एक एविडेंस को लेकर बन रहे हैं, एविडेंस बहुत से हैं जिसमें हमने आपको सिमिन का भी एक एविडेंस है, संजय रॉय का सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हुए हैं कि 8 से 9 अगस्त में वो शराब पीकर सेमिनार हॉल में दाखिल हुए और वहीं पर उन्होंने उस बर्बरता को अंजाम दिया। लेकिन जूनियर डॉक्टर के शव के पास, जहां इस घिनौनी हरकत को संजय रॉय समेत हो सकता है कुछ और लोगों ने अंजाम दिया हो, वहां संजय रॉय का एक ईयरपॉड भी गिरा मिला था सीबीआई को। यानी कि संजय रॉय का एक ब्लूटूथ डिवाइस भी लाश के पास बरामद किया गया।
पुष्टि तब हुई कि ये ब्लूटूथ डिवाइस संजय रॉय का है जब पुलिस ने, जब सीबीआई ने उस ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट किया, ऑन किया, और वो कनेक्शन सीधा संजय रॉय के फोन से हुआ। तो इससे साफ तौर पर यह पता लगता है कि सेमिनार हॉल में संजय रॉय दाखिल हुआ था और वो उस समय जूनियर डॉक्टर के शव के पास था। इससे संजय रॉय की मानसिकता का अंदाजा हो सकता है क्योंकि उसके पास, उस शव के पास संजय रॉय का ब्लूटूथ मिला, ब्लूटूथ डिवाइस मिला। 151 mg सिमिन डेड बॉडी के पास मिलना, ब्लूटूथ डिवाइस संजय रॉय का ब्लूटूथ डिवाइस लाश के पास से मिलना, सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय का सेमिनार हॉल में दाखिल होना, संजय रॉय का पोर्नोग्राफी से जुड़ा लगाव, संजय रॉय का बिहेवियर महिलाओं के प्रति, संजय रॉय के डिज़ायर, संजय रॉय ने जिस तरीके से अन्य महिलाओं के साथ जो क्रूर व्यवहार, जो बदतमीजियाँ करी, इन सब से ये जाहिर होता है। और संजय रॉय का खुद का एक कन्फेशन कि इस बर्बरता में उसने पूरा वो सारा जिम्मा खुद पर ले रहा है, तो ये सब चीज़ें साफ करते कि संजय रॉय ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इसके अलग एक बात ये भी है कि संजय रॉय की माँ से जब इस बारे में बात की गई, तो संजय रॉय की माँ ने, जब मीडिया ने उनसे सवाल किया, तो संजय रॉय की माँ ने बंगाली भाषा में ही ये जवाब दिए कि संजय रॉय कभी भी रात घर से बाहर नहीं बिताता, लेकिन उस रात वो घर से बाहर था, वो परेशान थी, उसने खाना भी नहीं खाया। इसके अलग संजय रॉय की बहन से भी जब मीडिया ने बात करी, तो ये मालूम पड़ा कि संजय रॉय की बहन ने उस पर कई किस्म के एलिगेशंस लगाए, जिसमें पहला एलिगेशन था लूज कैरेक्टर का। संजय रॉय की बहन ने भी ये बात कही, और दूसरा, संजय रॉय की बहन ने उसकी पर्सनल जिंदगी में क्या चल रहा है, उसकी रियल बहन ने पर्सनल जिंदगी के बारे में मीडिया से कोई खुलासा नहीं किया कि उसे पता ही नहीं कि संजय रॉय का निजी जीवन, उसकी पर्सनल लाइफ क्या चल रही है। इसके अलग जो अगली खबर है जो वाकई आपके रोंगटे खड़े कर देगी, वो ये कि संजय रॉय ने अपनी जिंदगी में अभी तक 4 शादियां करी हैं। जी हाँ, संजय रॉय ने 4 शादियां करी हैं, जिसमें 3 बीवियां, उसकी शुरुआत की 3 बीवियों ने, 3 बीवियों ने उसे इसलिए छोड़ा, जिसमें मैरिटल रेप का भी संजय रॉय के ऊपर केस, एक एलिगेशन था, और एक फोर्सफुल, एक असॉल्ट के, अगर हम बताएं कि सेक्सुअली हैरेस करने के, अपनी पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को सेक्सुअली हैरेस करने के भी संजय रॉय पर कई किस्म के इल्जाम हैं। तो संजय रॉय की 3 बीवियों ने उसके इसी हवस के कारण, उसके इसी ऐसे रवैये के कारण उसे छोड़ा। हालांकि चौथी बीवी की मौत कैंसर से हुई, जिस पर कई किस्म के प्रश्न चिन्ह अभी भी लगाए जा रहे हैं, और असॉल्ट, उसकी फैमिली से भी पूछताछ करी गई, संजय रॉय से पूछताछ की जा रही है, आजकल मेडिकल कॉलेज के अंदर बहुत से प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। लेकिन कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज से अलग एक लड़ाई, फिजिकली जो जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, कई जर्नलिस्ट, कई इंटेलेक्चुअल तबका जो है हिंदुस्तान का, वो सड़कों पर उतर कर उस जूनियर डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए कर रहा है, तो वहीं पूरा हिंदुस्तान लगा है सोशल मीडिया के थ्रू इस थॉट को, इस आइडियोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया में फैलाने के लिए कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी बर्बरता 2012 में हमने देखी थी, लेकिन 2024 में भी 12 साल बाद ऐसी बर्बरता देखना हिंदुस्तान के मानवता को, हिंदुस्तान के भविष्य को, और महिला सशक्तिकरण की ये जो यलगार हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के सामने छेड़ी है, उसको तार तार करने के लिए काफ़ी है। उस जूनियर डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए, कथा भी इस बात की पैरवी करता है कि इंसाफ मिलना चाहिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेगा, और हिंदुस्तान में ऐसी बर्बरता दोबारा कभी अंजाम ना दी जाए, ऐसा आश्वासन हम सभी लोगों को लेना होगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, लेकिन संकल्प सभी का होना चाहिए कि इस देश के अंदर ऐसा उत्पीड़न, ऐसी बर्बरता, ऐसी हैवानियत, संजय रॉय जैसे ऐसे लोग इस देश में, ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं, ऐसे लोग संजय रॉय हमें नहीं चाहिए। हालांकि सीबीआई से दरख्वास्त, और सीबीआई के ऊपर ये प्रेशर लगातार बनाया जा रहा है कि संजय रॉय के साथ साथ जो जो इस गैंगरेप में, इस रेप में शामिल थे, जो जो क्रूरता में शामिल थे, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उन्हें तुरंत फांसी लगाई जाए, उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए। इसके अलग संदीप घोष के रहते हुए जो आरजीकार मेडिकल कॉलेज के अंदर लापरवाही बरती गई है, इस लापरवाही को भी कहीं से कहीं तक बर्दाश्त ना किया जाए, और संदीप घोष पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा मामला, ये था आज का पूरा केस, और कथा आपके सामने ऐसे ही वीडियोस लाता रहता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसी के अलग दोस्तों, इस सब पर, इस पूरे केस पर आपकी क्या राय है, सीबीआई पर प्रेशर बनाने के लिए
और इस पूरे सिस्टम को एक सिस्टम पर हल्ला बोलने के लिए कमेंट्स करें, अपनी राय दें कि आप आगे किस केस को जानना चाहते हैं आजीकर मेडिकल कॉलेज के ऊपर, और क्या क्या अपडेट्स होंगे जूनियर डॉक्टर रेप मर्डर केस में, और क्या क्या अपडेट्स होंगे कोलकाता रेप मर्डर केस के अंदर, और क्या क्या तफ्तीशें सीबीआई द्वारा होने वाली हैं, जानेंगे हम अगली अपनी इस वीडियो में कथा पर जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कथा।